हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे सेशन में। एज यू नो, मेरे सेशन का नाम है जॉब सड्डा आईक्यू। ठीक है, जॉब सड्डा आईक्यू ये चैनल है, यूट्यूब का चैनल है। आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है। तो ये मेरे चैनल का लोगो है। आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब पे जाके लिखना है जॉब सड्डा IQ। ठीक है, डेली करंट अफेयर और अपडेट के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस सेशन के अंदर करने वाले हैं क्विज आंसर। ठीक है, क्विज के आंसर करने वाले हैं जो मैंने आपको सुबह दिए थे। ठीक है, उस क्विज के हम आंसर यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये जीके, मैथ और इंग्लिश सबका मिक्स है, तो उसको बताने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो जो मैंने दिया था वो था एरर का। यू वुड हैव गोट द फर्स्ट प्राइज। तुम जो है फर्स्ट प्राइज ले लेते इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड थ्रोली फॉर कंपटीशन। इसमें आपको एरर फाइंड करना है कि किस में, ए बी सी डी ई किस में। आई थिंक आपने जो अपना एरर फाइंड कर लिया होगा। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है इसका है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर कहाँ पे गलती है देखो। इफ़ यू वुड हैव, ये वुड हैव की जगह आएगा आपका हैड। ठीक हैड प्रिपेयर्ड, ये प्रिपेयर्ड तो है ही है। ठीक है, वुड हैव की जगह यहाँ पे हैड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं इसमें जो एंटिसिपेट होती है, अगर यहाँ पर आपका पास्ट दिया हुआ है या सॉरी प्रेजेंट दिया है, यानी वुड हैव प्रेजेंट दिया हुआ है, तो अगला जो होगा अगर उसकी जो कंडीशन होगी, यानी यदि वाली है ना कंडीशन, अगर तुम ये करते तो ये हो जाता, ये करते तो ये हो जाता, तो उसके अंदर जो है हम जो है यहाँ पर पास्ट यूज़ करते हैं, और पास्ट के लिए हम हमेशा हैड का यूज़ करते हैं, ना कि हैव का। ओके, तो यहाँ पर वुड हैव की जगह हैड यूज़ होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, ही वॉज ए गाइडिंग लाइट। ही वॉज ए गाइडिंग लाइट नॉट ओनली जस्ट फॉर हिज कंट्री बट आल्सो फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आंसर था इसका भी आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि नॉट ओनली जो होता है और बट आल्सो होता है, उसके जो बाद में जो भी वर्ड होते हैं ना, दोनों में वही जो है सेम टू सेम जो है होता है, यानी नॉट ओनली के बाद जस्ट फॉर हिज ओन कंट्री है एंड बट आल्सो के बाद फॉर द वर्ल्ड है, यानी बट आल्सो के बाद अगर जो भी वर्ड है वही जो है यूज़ होगा। वर्ड मतलब यहाँ पर क्या है, एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, फॉर की प्रीपोजिशन है, तो नॉट ओनली के बाद भी फॉर ही आएगा, ना कि जस्ट आएगा। तो ये जस्ट जो है ना, ये एक फालतू वर्ड है, इसको जो है रिमूव करना है। ओके, तो इसके अंदर दोबारा देख लीजिए, नॉट ओनली फॉर हिज कंट्री आएगा, क्योंकि बट आल्सो फॉर द वर्ड है, फॉर है, यानी यहाँ पर एक कंजक्शन है, तो यहाँ पर भी एक कंजक्शन ही आएगी, जस्ट जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, अगला देखिए। अगला जो एरर मैंने दिया था, इट इज़ इन 1929, ये तो बिल्कुल ईजी था, दैट वी फर्स्ट फ्लूड टू US। नो एरर, या देखिए ये तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सिंपल था। इट इज़ नहीं आएगा क्योंकि ये 1929 की बात कर रहा है, अब की बात नहीं कर रहा 2021 की, ये कर रहा है 1929 की बात। तो यहाँ क्या आएगा, इट वॉज इन, क्या आएगा यहाँ पे, इट वॉज इन। ओके, बाकी सेम टू सेम है। अगला देखिए, अमन विद हिज फ्रेंड हैव गोन फॉर शॉपिंग। अमन जो है अपने फ्रेंड के साथ जो है शॉपिंग गया। देखिए, अमन विद हिज फ्रेंड, तो इस तरीके के जो कंजक्शन होते हैं विद हिज फ्रेंड, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी वो अमन के हिसाब से लगेगी, ये सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी, तो अमन के साथ हम हैव यूज़ नहीं करेंगे, अमन के साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। ओके, तो इसके अंदर एरर है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, ये एरर है, हैव नहीं होगा यहाँ पे, हैज़ होगा। अगला देखिए, अमित बिड्स फेयर नॉट टू बी द ग्रेट एक्टर। ठीक है, सॉरी, अमित बिड्स फेयर टू बी द ग्रेट एक्टर, तो इसमें यहाँ पर द नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ए, तो ऑप्शन नंबर डी में एरर है,
तो ए ग्रेट एक्टर आएगा इसके अंदर। ओके अगला देखिए, अगला था मैथ का सवाल। देखो दो बोटल्स में जो है अम्बल और जल का अनुपात 2:3 है और 1:2 है, तो इनको जो है 1:3 के अंदर अनुपात में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अम्बल और पानी का अनुपात कितना होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 2:3 है फर्स्ट और सेकंड है 1:2। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, जो हम इसको क्या मानेंगे, इसकी क्वांटिटी कितनी मानेंगे, इसकी क्वांटिटी लेट्स करते हैं 5, क्योंकि ये 1 और 2 5 है, और इसकी करेंगे हम 3। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक जैसा करने के लिए इसको 3 से मल्टीपल करेंगे, इसको हम 5 से करेंगे, तो ये आ गया आपका 6:9। ठीक है, और ये आ गया आपका 5:10। ठीक है, अब हम इसको क्या करना है, 1:3 के अनुपात में मिलाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस सबको जो है 1:3 के अंदर डिवाइड कर लेंगे, इसका 1:3 बना देंगे, इसका 3 बना देंगे, तो उसके लिए हम इसको 1 और 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी 6:9। ठीक है, और ये बन गया आपका 15:30। ठीक है, यहाँ पर अम्बल और पानी, ये अम्बल है ये पानी है वाटर, ठीक है अम्बल और वाटर, तो अम्बल अगर हम इकट्ठा करें तो वो आएगा 6 और 5 कितना हो गया 21:1, ये है 6:9 और 30 ये हो गया 39, तो ये इसका रेशियो बन गया, इसको जब हम काटेंगे तो 7 और ये 13, तो 7:13। ठीक है, ये आपका रेशियो आएगा। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे 1:3 का कैसे यूज़ करें, तो इसको मल्टीपल करके 1:3 के अंदर डिवाइड करना है। ओके नेक्स्ट देखिए, एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, किसी बस की गति कार की गति की दुगनी है, तो बस 135 किलोमीटर में कितनी तय करेगी। देखो सिंपल है बिल्कुल, पहले हम बस की गति कार की गति से दुगनी है, तो कार की गति निकालते हैं, तो कार की गति हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें दे रखा है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस जब दे रखा है तो डिस्टेंस है 18 और टाइम है 24। देखो ये 24 मिनट्स है, 24 क्या है मिनट्स है, इसको हमें आवर्स बनाना पड़ेगा, तो इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे, जब हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे यानी 24/60 लिखेंगे, तो 60 यहाँ से ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे देखिए कि ये कितनी स्पीड है इसकी, 6 पे काटते हैं 6:10 और ये 4 और यहाँ पे 2 फिर 5 और ये 9, तो कार की गति कितनी आ गई, कार की गति आ गई आपकी 45। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, समझ आ गया इतना। अब देखिए कार की गति है 45, इसने बोला है बस की गति कार की गति से दुगनी है, तो बस की कितनी होगी स्पीड किलोमीटर पर आ रही है, ये ध्यान रखना, तो इससे दुगनी, इसकी 2 गुना करेंगे तो ये आ गया 90 किलोमीटर पर आर। ठीक है, अब बस 135 किलोमीटर में कितने मिनट लेगी, तो ये है इसकी स्पीड बस की और टाइम है 135, तो स्पीड कितनी होगी 90, तो स्पीड बस की कितनी है 90 किलोमीटर पर आर, और जो डिस्टेंस है वो कितना है 135 किलोमीटर, तो टाइम कितना होगा डिस्टेंस बाय टाइम, इसने पूछा है मिनट, तो 90 को मिनट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नब्बे आर है ना, इसको मिनट बनाने के लिए हम 60 से नहीं ऐसे नहीं, ये क्या आएगा, ये आर्स आएंगे ना ऐसे, ये क्या आएंगे, ये आर्स आएंगे। ठीक है, अब इस आर्स को हमें क्या करना है, मिनट में बनाना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आर्स है। ठीक है, आर्स को मिनट बनाना है, तो हम 60 से इसको मल्टीपल कर देंगे, तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे ये कट गया, ये 2 पे ये 3 पे, 3 की टेबल पे काट रही हूँ मैं, 4 और 5 यानी 45, यानी ऑप्शन नंबर डी 90 मिनट। ठीक है, तो इसको बस को कितना टाइम लगेगा वहाँ तक जाने में, 90 मिनट। ठीक है, अगला देखिए, अपनी वास्तविक गति के 3/8 भाग गति से यात्रा करने वाली एक कार 2 घंटे 10 मिनट में 65 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो कार की वास्तविक गति बताइए। तो देखो ध्यान से,
वास्तविक गति का 3/8, माना मान लिया हमने वास्तविक गति कितनी है, इसकी गति है x, ठीक है, x का 3/8 इज इक्वल टू कितनी है इसकी गति, कैसे निकालेंगे हम, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 65, और टाइम कितना लेते हैं ये 2 hours 10 minutes, यहाँ पे 10 को हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे ताकि इसका घंटा बन जाए, तो ये आ गया 13/6, ये तो आता होगा आपको, ठीक है। तो इसकी गति कितनी है 65 बाय 13/6 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 ऊपर आ जाएगा 13 नीचे यानी 5, तो x का 3/8 कितना है 30, तो इसको ये 10 पे कट जाएगा तो x की वैल्यू यानी ओरिजिनल इसकी वैल्यू कितनी है 80, यानी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 80 किलोमीटर पर आर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 80 किलोमीटर पर आर्स, ओके। अगला देखिए, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 रुपये की छूट दी जाती है तो घटी हुई कीमत मूल की कीमत का 80% हो जाती है, तो अंकित मूल्य याद कीजिए। तो देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 रुपये की छूट जाती है, मानना हमने यहाँ पर माना जो इसका MRP है, MRP कितना है X, तो X के अंदर हम अगर 42% की छूट दें तो जो नई कीमत है यहाँ पे, जो नई कीमत आएगी वो मूल कीमत की 80% हो जाएगी, यानी मूल कीमत जो थी उसकी ये 80% हो जाएगी। तो बस इसको यहाँ पे सोल्व कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहाँ पे ये आ गया 100x - 40 200 = 86x, तो यहाँ पे 100 86 है, इधर जाके माइनस होएगा तो ये आएगा, 86 को माइनस करेंगे तो 14x = 1400, तो x की वैल्यू क्या आएगी 14 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगी 300, तो अंकित मूल्य कितना है 300 रुपीज़, ऑप्शन नंबर बी, ओके। अगला देखिए, कोई धनराशि स्थान ब्याज में 5 वर्ष में 1020 रुपये और 8 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है तो मूलधन का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 5 साल लगते हैं इसको 1020 होने में और 8 साल लगते हैं इसको 1200 होने में, तो 3 साल का कितना हुआ बताओ, इसको इसमें से माइनस करेंगे हम 0, 8 और 1, जो 3 साल की, इतना समझ आ गया, 3 साल के जो SI है वो है हमने कितनी निकालनी थी 108, 180, तो 1 साल की SI कितनी होगी, 180 को 3 से करेंगे तो 60, 1 साल की अगर SI कितनी है 60 है और 5 वर्ष में ये 1020 रुपये बन जाती है, तो 5 वर्ष में SI कितनी है 60 × 5 यानी 300, तो जो ये 5 वर्ष है, 5 वर्ष है इसके अंदर जो पूरा अमाउंट बन रहा है 1020, इसमें से 300 क्या है ब्याज है, बाकी आपका मूलधन है, तो मूलधन कितना हो गया 0, 2 और 7 यानी 720 रुपये इसका मूलधन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। अगला देखिए, अगला है आपका GK के क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे। तो GK का क्वेश्चन देखिए क्या था, भारत ने कृषि क्षेत्र के सहयोग के लिए किस देश के साथ 3 साल का ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किया। तो इंडिया हैज साइन ए 3-year ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम विद विच कंट्री फॉर कॉरपोरेशन इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो कृषि के क्षेत्र में किसके साथ समझौता किया इन्होंने, प्रोग्राम शुरू किया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसराइल के साथ। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा FDI निवेशक कौन है, ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट FDI इन्वेस्टर कंट्री 2020-21 के लिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर, ओके। अगला देखिए, Amazon कंपनी के नए CEO कौन बने हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंडी जेसी, ओके। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन हेल्थ, ये कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 28 मई को। अगला देखिए,
सेहत पोर्टल, सशस्त्र बलों की टेली मेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए सेहत पोर्टल की किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? सेहत पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाई विच प्रोवाइड टेलीकॉम सर्विस, तो ये किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया था, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। ठीक है, तो अब बाकी थे पंजाब की जीके, वो देख लीजिए। इन विच ईयर द करंट स्टेट पंजाब वाज क्रिएटेड, पंजाब कब बना था? 1966 को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1966। विच वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी पंजाब इन एरिया वाइज, तो एरिया वाइज सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी ए, सॉरी लुधियाना। ठीक है, व्हाट इज़ द एवरेज लिटरेसी रेट पंजाब अकॉर्डिंग टू 2011 के हिसाब से पंजाब का लिटरेसी रेट क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 75.84। ठीक है, अगला देखिए, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज इन पंजाब, पंजाब में एरिया वाइज कौन सी सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, फिरोजपुर। विच सिटीज पंजाब हैज़ लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पंजाब में कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी, लुधियाना में। ठीक है, तो ये हैं आज की क्विज के आंसर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको रोज़ाना क्विज चाहिए तो आप मेरे को जो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मेरा ये यूट्यूब का चैनल देख सकते हो। ठीक है, तो ताकि आपको जो भी क्विज चाहिए वो आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप उसके अंदर जुड़ना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जो है नाम और जो है फ़ोन नंबर दे सकते हो, ताकि उस ग्रुप के अंदर आपको ऐड कर लिया जाए और डेली आपकी क्विज जो आपको प्रोवाइड कर दी जाए। सुबह होती है ये, मॉर्निंग में देती हूँ और शाम को इस टाइम जो है आपके आंसर जो है प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। ओके, गुड बाय, टेक केयर, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जितना ज़्यादा उसके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए।